हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सिर्फ आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना बकवास करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सिंपली दोस्तों क्रोम ब्राउजर को आपको जो है ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर जो सर्च बार में टाइप करके यहाँ पर लिखना है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड जैसे ही आप लिख लेंगे गाइस, उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही आ जाएगा PMJAY बेनिफिशियरी पोर्टल। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपके पास। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है मतलब मोबाइल नंबर बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ देना है वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पर जो है एक OTP आएगा। सिंपली उसको जो है फिल कर देना है उसके बाद सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे गाइस उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। PMJAY सेलेक्ट है तो इसके ऊपर ही रहने देना है। स्टेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है आसाम बिहार बंगाल जो भी है यहाँ पर से आज जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सब स्कीम के ऊपर में भी जो है PMJAY रहने देना है। उसके बाद सिंपली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में आना है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च बाय के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या चीज़ फैमिली आईडी से मतलब सर्च करना चाहते हैं या आधार नंबर से या नेम से या लोकेशन रूरल मतलब लोकेशन के थ्रू से या फिर PMJAY आईडी के थ्रू से, तो सिंपली हम अभी आधार कार्ड के नंबर से मतलब सर्च करने वाले हैं। तो सिंपली आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद गाइस सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। सर्च के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो है मतलब लिस्ट में जितने भी लोगों का आधार राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम है सारा का सारा रेट लिखा हुआ है। सिंपली आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो है इस राशन कार्ड में 9 लोगों का नाम है। तो सिंपली आप जिसका भी बनाना चाहते हैं उसके नाम के आगे जाएंगे यहाँ पर जो है जैसे मैं सुलेखा खातून जी का बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ उसके नाम के आगे EKYC का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे दोस्तों आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट जो है दिखाई देगा। सिंपली उसको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर जो है उसके बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गाइस यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेट मोड सेलेक्ट कर लेना है। OTP आधार OTP के थ्रू से करना है या फिर आधार फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो हम सिंपली जो है आधार फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है एक OTP आएगा, जो अप्लाई कर रहे हैं उसका OTP आएगा फोन में जो नंबर डाल करके आप लॉगिन किए हैं। सिंपली गाइज यहाँ पर जो है EKYC का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको जो है फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज फिर से वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो यस कर देना है यानी कि टिक लगा देना है। उसके बाद अलाउ कर देना है। अलाउ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद गाइज फिर से फिंगर देने का ऑप्शन आ रहा है। फिर से एक बार जो है फिंगरप्रिंट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर मतलब मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसके नाम से ID बना हुआ है उसी का मोबाइल पर यहाँ पर OTP आएगा। फिर से फिंगर देने के बाद OTP डालने के बाद गाइस यहाँ पर जो है आप लोग ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपली आपको जो है यहाँ पर कैप्चर फोटोज के ऊपर क्लिक करना है, एक सेल्फी अपलोड कर देना है यानी कि लाइव क्लिक करता है। यहाँ पर जो लाइव एक फोटो आप लोगों को देना होगा, तो जैसे मैं दे देता हूँ। जैसे गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिंपली जो है कैप्चर फोटोज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कैप्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। कैप्चर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे गाइस यहाँ पर जो है आपका फोटो जो है कैप्चर हो जाएगा यानी कि क्लिक हो जाएगा। सिंपली आपको जो है प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे गाइस सिंपली आपको जो है नीचे की ओर जो स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर जो है आपको अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है तो यहाँ पर जो है यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइस अगर आप यस मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करने के बाद गाइस यहाँ पर जो है पिन कोड के ऊपर जो है क्लिक करके यहाँ पर आपको आपका एरिया का पिन कोड डाल देना है। जैसे मेरा एरिया का जो भी पिन कोड है मैं डाल देता हूँ। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को भी कर लेना है। उसके बाद विलेज सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जो भी विलेज पड़ता होगा आप लोगों का विलेज को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP को भी ऊपर में ही डाल देना है। इतना ही करने के बाद गाइज यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है EKYC इज कम्प्लीट, प्लीज डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम। तो सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है मेरा आयुष्मान कार्ड जो है जो नाम से हम बनाए हैं सुलेखा खातून के नाम से, तो यहाँ पर जो है अप्रूव्ड हो गया है, अब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।